एक और साहब थे, वो बहुत बड़े फंटर थे, उन्होंने कहा ये हजरत का लफ्ज इस्तेमाल करना शिर्क है। मैंने कहा क्यों भाई? कह रहे हैं हजरत ये हुजूर से निकला है, हुजूर का माना हाजिरी, तो आप जब किसी को हजरत कहते हैं इसका मतलब वो हाजिर नाजिर है। मैंने कहा अगर आपसे बड़ी कोई फिल्म दुनिया में पैदा हुई होती तो मैं लोगों को कहता कि सिनेमा में जाना छोड़ दें, उस फिल्म को देखें आप। मैंने कहा भाई किसी भी लुगत में कोई लफ्ज़ का मादा इश्तिकाक नहीं देखा जाता कि ये किस लफ्ज़ से निकला है, लुगत ये देखती है निकल के बना क्या है। नहीं आ रही बात? देखो इंसान में ये देखा जाएगा कि तुम्हारे अब्बा कौन है, तुम कहाँ से पैदा हुए, यानी तुम्हारे अब्बा कौन है, अम्मा कौन, तुम्हारा नसब क्या है, इसकी बड़ी वैल्यू है। लुगत में ये नहीं देखा जाता कि ये लफ्ज़ निकला किस लफ्ज़ से, ये किसकी औलाद है। क्योंकि इस तरह अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे अल्फाज अजीब अजीब चीजों से निकले हैं, तो वो तो फिर सारे माने ही क्या हो जाएंगे गलत। वो ये हलीम दलीम वाला है ना कि हलीम को हलीम नहीं बोलो, ये अल्लाह का नाम है। मैंने कहा भाई जो हलीम हम खाते हैं वो अल्लाह का नाम नहीं है, वो अल्लाह का नाम वाला हलीम कुछ और है, जो देग वाला हलीम है वो कुछ और है। अरबी में मूसा का लफ्ज उस तरह ब्लेड के माना में इस्तेमाल होता है, तमाम किताबों में ब्लेड को क्या कहा गया है, मूसा। हज पे हम जाते हैं इजराए मूसा, हालांकि मूसा अलैहि सलाम तो एक पैगंबर हैं, लेकिन भाई जो पैगंबर हैं वो अलग हैं और ये जो लफ्ज़ है ये क्या है, ये बिल्कुल अलग सेंस में इस्तेमाल हो रहा है। हम कहते हैं ना फला आया और सलावातें सुना के चला गया। सलात सलावात तो नमाजों को दुआओं को कहा जाता है, क्या ख्याल है भाई? तो आप कहें वो मुझे सलावातें सुना के चला गया, तो आपको तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। सलात दुरूद को, रहमत की दुआ को, सलावात रहमत की बहुत सारी दुआएं देके गया है, तो आप कहें ऐलान करें भाई जिसने जितनी सलावातें सुनानी है आ जाए। भाई सलावात का लफ्ज उर्दू में सलात इस माने में भी है, लेकिन जब इस मौके पे इस्तेमाल हो तो गालियों के माने में इस्तेमाल होता है। ये समझ रहे हो किस माने में इस्तेमाल होता है? गालियों के माने में। तो इल्म में उमुक नहीं है, गहराई नहीं है। आज सरसरी चीजें, कुरान हदीस, इधर से कुछ ले लिया, उधर से कुछ ले लिया, एक बना के मलगूबा फेंक के फतवा बाजी, वो हदीस के खिलाफ, वो फलाना, इन मौलियों कुछ नहीं आता, इनके पास कोई दलील नहीं है, ये अपनी दुकानें खोल के ऐसे फजूल बातें। लेकिन इल्म के लिहाज से ये क्या होते हैं? खोखले।